Hello students, I'm Divya Singh. I'm again in front of you. Today I will teach you maths of class 9th, the new chapter, chapter 3. This is chapter 3, linear equation in two variable. ठीक है बेटा? Previous class में आपने 7th, 8th में linear equations के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ linear equation in two variable बात की जा रही है. वहाँ पे one variable पढ़ा रहा होगा जो solve equations है. और जब आप 10th क्लास में जाओगे तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और दो इक्वेशन यहां फिलहाल इसके बारे में जानी है. तो बेटा लीनियर इक्वेशन क्या होता है? पहली बात इक्वेशन क्या होता है, तो सबसे पहले जब हम लोग शुरू करते हैं क्लास 6th में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. ठीक है बेटा? विद द हेल्प ऑफ या विद द हेल्प ऑफ या कंबाइंड विथ या कनेक्टेड विथ बेसिक फंडामेंटल या फंडामेंटल ऑपरेटर ऑफ मैथमेटिक्स जस्ट लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन. अब इन विच एक्सप्रेशन हैविंग इक्वल साइन, जिस एक्सप्रेशन में इक्वल साइन लग गया वो हो गया इक्वेशन. ठीक है, यानी आउटपुट होना जरूरी है. हम साल भर पढ़ते रहे, हम न एग्जाम दिए न एग्जाम परीक्षा दिए, आउटपुट कुछ निकला ही नहीं. तो जब आउटपुट कुछ निकला ही नहीं तो हम एक्सप्रेशन में है. सपोज करिए कि आपके पेरेंट्स ने कहा कि फला संडे को, फिलहाल अभी तो चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मध्य के जीत कर लीजिएगा कि नहीं, सर जी ने कहा चलना है घूमने. नहीं, सपोज करिए आपके पेरेंट्स ने कहा कि मुझे फला मॉल या फला जगह घूमने जाना है इस दिन. तो अभी उन्होंने कहा घूमने जाएंगे, कोई दिन फिक्स नहीं किया, दैट इज एक्सप्रेशन. कब जाएंगे? जाएंगे, ये खुशी तो है जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे नहीं पता. लेकिन अब ये फिक्स हो गया कि फला डेट को हम जाएंगे, तो एकदम क्लियर हो गया है. यानी इक्वेशन बदल गया कि इतने दिन का वेट इज इक्वल टू गोवा, इतने दिन का वेट इज इक्वल टू दैट प्लेस. तो यही तरीका है इक्वेशन में, आउटपुट निकल जाता है. किचन में चीनी भी रखी है, चाय पत्ती भी रखी है, गैस है, गैस सिलेंडर है, सब कुछ है, और बर्तन तर्तन अदरक वगैरह सब है, लेकिन चाय नहीं है. क्योंकि जब तक हम ये प्रोसेस में बनाएंगे नहीं, जब सब प्रोसेस होगा कंबाइंड होगा तब क्या होगा, सारी चीज को जब बॉइल किया जाएगा इज इक्वल टू चाय, आउटपुट क्या निकलेंगे, टी. उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन में जब एक्सप्रेशन में इक्वल साइन लगता है तो इक्वेशन बन जाता है. अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के भी होते हैं और टू वेरिएबल के भी होते हैं. वन वेरिएबल का देखिए बेसिक फॉर्म क्या है, समझिए ना, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. एक इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी फॉर्म में होता है इज इक्वल टू जीरो फॉर्म में, अगर ये ए एक्स प्लस बी है ये इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है. लेकिन जहां इक्वल टू समथिंग लग गया, फाइव हेडिंग अ नंबर, you don't know, I don't know what is that number, then I will add the 5 will get the number be x, x plus 5. Lekin 5 adding number get 7, result nikal gaya is equal to 7. Iske pahle jab tak 7 nahi likha tha ye expression tha, is equal to 7 lag gaya, ye ho gaya equation. Clear hai? Ab yahan dekhte hain beta, where a b are real numbers, ye kya hai, and a is not equal to 0. Agar ye 0 ho jayega kahani khatam. Theek hai, barat ja rahi dulha gaya, काहे शादी, काहे पार्टी. अगर पता चल जाए बारात आगे दरवाजे पर, लड़की के पिता को पता चल जाए दूल्हा गायब है, लो जो बना आइटम बना मार भगा ले भाई. तो उसी तरीके से अगर ये जीरो हो गया तो इक्वेशन नहीं रह गया, जब एक्स वेरिएबल नहीं रहेगा हो जाएगा जीरो, खत्म हो जाएगा मैटर. ठीक उसी प्रकार टू वेरिएबल में क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक नंबर इक्वेशन में आ गया कि व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसका ऑफिशियली डेफिनेशन है एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो. अगर ए जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये वन वेरिएबल का इक्वेशन हो जाएगा. बी जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये भी वन टर्म. तो यहां टू वेरिएबल के लिए इन दोनों का जीरो होना जरूरी नहीं है. अगर दोनों जीरो, एक जीरो हो गया तो फिर टू वेरिएबल का नहीं रह गया. दिस इज, जैसे मान लीजिए हमने लिखाया 5x plus 3 is equal to 7 या x plus 3 is equal to 5, ये क्या हो गया वन वेरिएबल का. ठीक है, अभी टू वेरिएबल का 3x plus 5y is equal to 8, 2x plus 3y is equal to 5, ऐसे इक्वेशन जो बनेंगे इनको लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल. ठीक है बेटा, आयो पे बहुत इजी चीज है, कुछ है नहीं, समझ आ गया होगा आपको. लेकिन अब इसका यूज क्या है, ध्यान दो बेटा, इन योर क्लास एंड इन दिस क्लास क्लास 9 हम इस इक्वेशन को वन वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व नहीं कर सकते.
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक यूनिक सोल्यूशन होगा, लेकिन लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। जैसे बेटा ध्यान रखिए क्यों इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, जैसे यहां x plus y is equal to 5 है, तो अगर x की वैल्यू हम 0 कर दें, y की वैल्यू 5 तो भी 5 हो गया, 1 plus 4 तो भी 5 हो गया, 2 plus 3 तो भी 5 हो गया, 3 plus 2 तो भी 5 हो गया, देखते रहिए, और यहां पे माइनस 1 plus 6 तो भी 5 हो गया, माइनस 2 प्लस 7 तो भी 5 हो गया। देख रहे हैं कि x और y की इनफाइनाइट वैल्यू से लेफ्ट और राइट इक्वल होगा। इक्वेशन में क्या होता है, जो इक्वल साइन रहता है वो एलओसी बॉर्डर की तरह होता है, बॉर्डर है उसके, जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो दिस इज माय लेफ्ट हैंड, दिस इज माय राइट हैंड, तो इक्वल साइन के लेफ्ट साइड उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और उसके राइट वाले को राइट हैंड साइड। इक्वेशन क्यों है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हियर इज लेफ्ट एंड राइट आर इक्वल, देन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इफ एनीवन आस्क मी दैट हाउ मेनी सॉल्यूशंस, हाउ मेनी रूट्स आर ऑल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देयर आर मेनी सॉल्यूशंस, और हाउ मेनी सॉल्यूशंस इन वन वेरिएबल इक्वेशंस, दे आर यूनिक सॉल्यूशन। यहां पे x की वैल्यू क्या होगी 2, 2 plus 3 5, यहां पे x की वैल्यू क्या होगी 3 हो जाएगा, यानी x वैल्यू 4 upon 5 हो जाएगा। ओके तो इसको सॉल्व करेंगे, तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट दीज इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ, ये चीज समझ में आ गई होगी कि इफ एनीवन आस्क यू दैट हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बेटा, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राइट दीज इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 and also write the value of a, b and c। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट दीज इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0, यानी जो इक्वेशन दिए गए उनको इस फॉर्म में लिखना है। जैसे पहला इक्वेशन है 2x plus 3y equal to 9.35 के बार लगाया, ये केवल कुछ है नहीं, समझ लो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 9.35 इक्वल टू, जिसको अंदर कर लेंगे, इसको ऐसे भी 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस माइनस 9.35 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करें बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, ए की वैल्यू 2, बी इज 3 एंड सी इक्वल टू माइनस 9.35। हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम इसमें है, जस्ट लाइक बनाया खा गया, कुछ है नहीं इसमें। उसी तरीके से मान लीजिए ये है, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान देना बेटा, x माइनस y बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 1 इंटू x प्लस माइनस 1 बाय 5 इंटू y प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब इसको ऐसे कर सकते हैं ax plus by plus c is equal to 0, a is equal to 1, b is equal to minus 1 by 5, c is equal to minus 1 by 10। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, सबको पहले इसका LCM ले लेंगे, तो 5x minus y minus 50 is equal to 0, तो ऐसे करते लेंगे, आप ऐसे करो ना, easy, क्या दिक्कत है? These are the coefficient, x का coefficient पूछने तो 1 माना जाएगा, यहाँ y का coefficient नहीं, y by 5 नहीं, 1 by 5 into y रहा होगा, तो y by 5 हुआ है। अब किसी भी इस्तेमाल की है बेटा, y minus 2 is equal to 0, ध्यान दीजिएगा, y minus 2 equal to 0, अब यहाँ x है नहीं, लाएंगे, क्या दिक्कत है? इसको हम लिख सकते हैं 0 into x plus 1 into y plus minus 2 is equal to 0, कोई दिक्कत है क्या? भाई 0 into x 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ax plus by plus c is equal to 0 है, a की value 0, b की value 1, c is minus 2, ऐसे आप कर सकते हैं। 8x is equal to 7 है, इसको हम लिख सकते हैं 8x plus 0 into y minus 7 is equal to 0 कर सकते हैं, या फिर एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, minus 7 is equal to 0 कर सकते हैं। अब यहां y ले, तो y को ले लें, 8x 8 into x plus 0 into y plus minus 7 is equal to 0, कोई दिक्कत, 0 into y 0 रहेगा। अब यहां ax plus by plus c is equal to 0, a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू minus 7, इसी तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन निकालना बताएंगे कि हाउ कैन यू फाइंड द सॉल्यूशन एंड हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द ग्राफ। इसमें सिर्फ ग्राफ क्या होगा,
इतना जानिए कि व्हेन यू ड्रा बुक, जैसे मैंने अभी बताया था, अगर हमने बताया ना जैसे x plus y is equal to 5 है, तो 1 plus 4 is equal to 5 हो जाएगा, 3 plus 2 5 हो जाएगा, तो 1 x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, ये क्वाड्रेंट्स हो जाएंगे। जब हम क्वाड्रेंट्स बताएंगे बताएंगे तो ग्राफ कैसे ड्रा होगा कि ग्राफ, जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा होता है तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, 8th क्लास में आपको बताया गया रहा होगा। तो फिलहाल अभी आप इतना ही सीखिए कि क्या है ये, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। ठीक है बेटा, तो आज मैंने आपको लीनियर इक्वेशन बताया, वन वेरिएबल टू वेरिएबल क्या होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चीज लेकर आएंगे, कुछ नई चीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।